जेंसॉल के पास आज एक न्यूज़ थी, वो 5% के फिर से सर्किट पे खुलेगा। आज जो साल का हाई टेस्ट करने जा रहा है वो है भारती एयरटेल, सिप्ला और अल्ट्राटेक सीमेंट, ये खुलते ही साल का हाई टेस्ट करेंगे। अब आ जाते हैं थोड़ा और, अच्छा ठीक है मार्केट ही खोल देते हैं अब, फिर और चेक क्या करना। वैसे तो मैक्स हेल्थ केयर, 361, पावर इंडिया, ये कुछ एक और शेयर्स हैं जो आज बढ़कर खुल रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन क्या शानदार आपको मिली है, 1500 एडवांसेज हैं, 160 शेयर हैं। जिस मैं रेजिस्टेंस एरिया की बात कर रहा था, एग्जैक्टली मार्केट ने वही लैंड किया और वहाँ से करीब 50-60 पॉइंट उसने खो दिए, 23,427 है ये। जब तक 23,500 को अच्छे से पार नहीं करेगा तब तक बहुत ज़ोर से मोमेंटम नहीं दिखाएगा। स्क्रीन पर 361 को हटा के एक बार बैंक निफ्टी दिखाइए, निफ्टी बैंक करीब 168 पॉइंट है। तो ये भी क्या हुआ कि 52,000 के रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आया, मतलब 50,200 पे, और वहाँ पे आके फिर से टकराया और करीब अभी 200 पॉइंट ही ऊपर है, जबकि इसने गैप देना था करीब 125 पॉइंट का। तो खुलने के बाद थोड़ा थोड़ा बाजार नीचे आए हैं, देखते हैं क्या होता है। मेरी नज़र उसी रेजिस्टेंस एरिया पे है, गैप के साथ एक अपॉर्चुनिटी लॉस तो हो गई है, लेकिन ये अगर और नीचे आए तो फिर ये प्रॉफिट बुकिंग का काम करेंगे, ये रिपीट टेलीकास्ट भी करेंगे कल वाला, ये भी आप ध्यान रखिएगा फिर, ठीक। लेकिन आप ये एक होगा, एक ट्रिगर भी निपट जाएगा। अच्छा अब आ जाता हूँ बढ़ने वाले शेयर्स पे, जरा पहले वो स्क्रीन पर लेके आइएगा, नेस्ले इंडिया जरा स्क्रीन पर दिखाइए, वो बढ़िया चल रहा है। आपको एक और चीज़, जब ढोल नगाड़ों की बात आती है तो आपको पता ही है कुछ ना कुछ रिकॉर्ड्स तौर पर पहुंच गया है, और आप इस समय देख रहे हैं बाजार नई ऊंचाई पर, सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड्स तौर पर गैप करेंगे, तो रिकॉर्ड बनाएंगे, ऑलरेडी लेवल्स पे तो चल ही रहे हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा पीछे है, तो बैंक निफ्टी को आने पे थोड़ा भी समय लग सकता है, बैंक निफ्टी के लिए हम वेट करेंगे। नेस्ले स्क्रीन पे दिखाइएगा, आज नेस्ले का इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा मेरे को लग रहा है, कुछ एक एनालिस्ट अभी इसको पकड़ेंगे भी। तो नेस्ले इंडिया 2% ऊपर, M&M करीब 2%, अल्ट्राटेक करीब 1.5% ऊपर आपको दिखेगा, NTPC भी दिखाइए जरा स्क्रीन पर, वो भी 1-1.5% आपको ऊपर दिखना चाहिए। कुछ और शेयर्स भी हैं जो मार्केट के अंदर अपना दम दिखा रहे हैं, वो जरा वरुण बेवरेजेस दिखाइए 2% ऊपर, जोमेटो 2% ऊपर, अंबुजा सीमेंट 2% ऊपर, आज रत्नेश जी की कॉल थी अंबुजा सीमेंट, ठीक है। एक बार जरा कैनफिन होम्स भी दिखाना और L&T भी स्क्रीन पर दिखा सकते हो, कैनफिन होम्स और L&T आज ये अवनी भट्ट के ट्रेड थे, एक बार जरा कैनफिन होम्स और ये भी दिखाइए L&T स्क्रीन पर, जल्दी जल्दी दिखाते जाइए। किरण सर के कॉल दिखाइए, आरती इंडस्ट्रीज़ और JSW स्टील, आरती इंडस्ट्रीज़ और JSW स्टील, ये भी दिखा देना। आयुष सर के भी ट्रेड दिखाना, और वो ट्रेड हैं नवीन फ्लोरिन और IEX, नवीन फ्लोरिन और IEX, ये दो शेयर भी दिखाइए। एक्साइड भी दिखा देना, रत्नेश जी की कॉल है ये, एक्साइड इंडस्ट्रीज़, इस पर भी आप एक बार नोटिस कीजिएगा। ज़्यादातर जो एक्सपर्ट्स के ट्रेड हैं वो आपको बढ़त के साथ अच्छे तरीके से काम करते दिख रहे होंगे। इंडेक्स ने जो ओपनिंग का चौका मारना था वो मार दिया, लेकिन उसके बाद रुक सा गया, यही मेरा पॉइंट था जो मैं आपको सुबह नोटिस कर रहा था कि आप रेजिस्टेंस के एरिया में खुल रहे हो, उसके बाद देखते हैं आप कितने जोड़ते हो अपने पॉइंट्स। तो फिलहाल अभी 50,5100 के आसपास बैंक निफ्टी और दूसरा 23,400 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। IT इंडेक्स थोड़ा तेज है वापस से, ये नोटिस करने वाली चीज़ बन गई है। हीट मैप आपके स्क्रीन पर आएगा, जरा वो दिखाइए, फिर पूजा आपको जरा छोटे मझोले शेयर्स के बारे में जानकारी दे देंगी, और उसके बाद फिर हम ओपनिंग के ट्रेड लेना आज के मेहमानों से शुरू कर देंगे। जरा हीट मैप स्क्रीन पे लेके आइए, 5 बड़े शेयर भी अगर आपको स्क्रीन पे दिखेंगे तो मैं हीट मैप से दिखा देता हूँ वो कितने दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। उसमें HDFC है, उसमें रिलायंस है, उसमें L&T, इन्फोसिस, TCS, ये सब शेयर बनते हैं। रिलायंस और HDFC तो मेरे को आधा परसेंट करीब करीब ऊपर दिख रहे हैं। डिविस लैब आज का स्टार परफॉर्मर 2% ऊपर, नेस्ले ऑलरेडी ऊपर है, SBI लाइफ ऊपर, हिंडालको ऊपर, इन्फोसिस भी ऊपर है। अगर मैं 5 शेयर देख रहा हूँ ना तो एक HUL है मेरी लिस्ट में जो एक नेगेटिव है, अदरवाइज इन्फोसिस भी मेरे को हीट मैप में दिख गया, बस एक HDFC और दूसरा तो नहीं दिखा, और एक वैसे रिलायंस ऊपर है बट वो 7-8 रुपये ही ऊपर है। पूजा आप जरा छोटे मझोले शेयर्स बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मिड कैप स्पेस में रियल एस्टेट स्टॉक्स चल रहे हैं आज, प्रेस्टीज स्टेट ऊपर है, सोभा डेवलपर्स देखिए 5% ऊपर आ चुका है, खबर भी पॉजिटिव है, कंपनी की 2,000 करोड़ जुटाने की योजना है, उसके चलते खबर का रिएक्शन आज ये स्टॉक दे रहा है। सोभा डेवलपर 5% ऊपर, KEI इंडस्ट्रीज में भी अच्छी तेजी, 3% की तेजी वहाँ पर भी है। रियल एस्टेट कंपनियों में हम देख रहे हैं कि और नाम ले, फिनिक्स मिल्स 2% ऊपर है, वेस्टर्न कॉर्प 2.5% ऊपर, तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं। इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स भी रिकॉर्ड लेवल्स पर खुला है, यहाँ पर भी हम लगातार एक रिकॉर्ड लेवल देख रहे हैं।
इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स पर नजर डालें तो खबरों के ही चलते आज हम देख रहे हैं कि पीबी फिनटेक 2% ऊपर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी में करीब 2% की तेजी आज देखने को मिल रही है। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जेएसपीएल जैसे स्टॉक्स भी 2-2% की मजबूती के साथ खुले हैं। पेट्रोनेट एलएनजी में भी कल की तेजी आज कंटिन्यू और 1% मजबूत पेट्रोनेट एलएनजी का भी स्टॉक खुला है। इसके अलावा डॉक्टर लाल पैथ लैब्स में 1.5% की तेजी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ये भी ऊपर है आज। कल काफ़ी सारे एक्सपर्ट ने यहाँ पर तेज़ी करने की सलाह दी थी, आज भी ऊपर है, करीब 1.5% की तेज़ी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। और नज़र बार बार जा रही है रियल एस्टेट काउंटर्स पर ही, वहाँ पर शानदार तेज़ी, ओबरॉय रियल्टी भी अब 1% ऊपर आ चुका है। इसके अलावा शुगर स्टॉक्स भी आज चल रहे हैं, बजाज हिंदुस्तान, इसके अलावा कुछ और शुगर स्टॉक्स की बात करें तो श्री रेणुका शुगर्स अब ऊपर आ चुका है 4%। तो ये कुछ स्टॉक हैं शुगर स्पेस में। आज खबर भी है सरकार मिनिमम सेलिंग प्राइस की बात करिए, एमएसपी तय करने की बात करिए, जिसके चलते आज शुगर शेयर में भी तेज़ी है। तो ये कुछ सेलेक्टेड पॉकेट हैं मिड कैप स्पेस में जो कि तेज़ी में हैं। रियल इस्टेट पर नज़र रखिए आज, शुगर स्टॉक्स चल रहे हैं और इसके अलावा कुछ चुनिंदा कंपनी जो इसमें की खबरों के चलते आज एक्शन नज़र आ रहा है।